हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के कड़ी में आपके सामने दूसरा सेकंड क्लास है। करेंगे क्या, दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ऑफ ईच टू टाइप। क्लियर। इन टुडेज क्लास वी विल अगेन डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूं आप जरा देर के लिए उसे रीड कर लो। ठीक है, एक पर्सन है, मैं लिख रहा हूं और साथ ही साथ इसको डिक्टेट भी करते चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3A, उसी कंटिन्यू कर रहा हूं घड़ी को। ठीक है, वीडियो वीडियो टुकड़ों में आएंगे। ठीक है, बट होगा क्या ना, उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक पर्सन है जो 12,000 रुपीज किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है एज ए फिक्स डिपॉजिट, जिस पे प्रॉमिस किया गया है कि 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बट होता क्या है ना, उसे जरूरत पड़ती है पैसों की और इस वजह से उसे वो पैसा निकालना पड़ता है। और वो जो निकालता है पैसा अपने जरूरत की वजह से, वो 3 साल के बाद निकाल लेता है और इस वजह से बैंक उसे ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट अदा नहीं करता है, कुछ एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अदा करता है। 10% नहीं देता है, कुछ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इस वजह से क्या होता है, जितना रुपया एक्सपेक्टेड था, अभी तक वो एक्सपेक्टेड पीरियड के बारे में नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया कि 3 साल बाद जरूरत पड़ा पैसे का तो निकाल लिया। एक्सपेक्टेड पीरियड में अगर निकालता तो उसे 3,320 रुपीज यानी कि 3,320 रुपया ज्यादा मिलता, या आप यूं कह लीजिए कि उस एक्सपेक्टेड पीरियड में अगर निकालता तो इस वक्त से, इस समय से, इस समय में उसे जो पैसा मिला है वो 3,320 रुपीज कम मिला है मेरे भाई। क्लियर हो रहा है बात। देन व्हाट ही गॉट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। हाँ, अब एक्सपेक्टेड पीरियड का जिक्र आया कि 5 ईयर में वो जो पैसा निकाल पाता उसके मुकाबले, चूंकि उसने 3 साल के बाद ही पैसा विड्रॉ कर लिया, तो 3,320 रुपीज उसे कम मिल रही है। आपको बताना है वो जो कम, यानी कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल के लिए वो उसे पैसा मिल रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है। एम आई क्लियर। तो देखो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। चलो पहले एक काम करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पार्ट को करते हैं पहले। सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मान लेता हूं R%, जो कि 3 साल के लिए मिला था, बट एक्चुअली उसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। कितने साल तक अगर रखता वो? 5 ईयर तक अगर रखता। एम आई क्लियर। तो प्रिंसिपल का ये सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ये वाला सिंपल इंटरेस्ट, जो दो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपका 3,320। दिस मच ऑफ योर प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल इज गिवन एज 12,000। आ रही है बात समझ में? प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? रेट इंटू टाइम, दैट इज 50% माइनस 3R%। किसका? प्रिंसिपल का, यानी कि 12,000 का कितना है? 3,320। आई होप बात आप समझ रहे होंगे। अच्छा, क्यों मैंने दिस माइनस दिस किया है? ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 साल रखता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा था। क्वेश्चन में इस बात की हिंट मिली हुई है, यानी कि ये बड़ा सिंपल इंटरेस्ट जनरेट कर रहा होता, बजाय इसके कि वो अगर 3 साल में विड्रॉ कर ले, तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन में इस बात का जिक्र है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कम है, यानी कि इस केस का सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, इसलिए मैंने बड़ा माइनस छोटा किया है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको गिवन था। आपको बस इसे सॉल्व करना है। आप सॉल्व कैसे भी कर सकते हो, 50% ऑफ 12,000 दैट इज योर 6,000 माइनस 3R%। तो क्यों ना हम परसेंट के वजह से अगर 2 जीरो डिमिनिश कर दें तो होगा क्या, 120 इंटू 3 दैट इज 360 इंटू आर, दिस इज योर 3,320। सॉल्व करें, अगर इसको इधर लाते हैं, 6,000 माइनस
ये इस साइड आएगा तो 3320 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6000 माइनस 3320 यानी कि 2680, तो आपका 2680 जो है वो 360 इंटू आर के बराबर है। दैट मीन्स योर आर इज इक्वल टू 2680 बाय 360। रिड्यूस करें इसे अगर तो ये 4 9 36, 4 6 24, 2 4 7 28, यानी कि 67 by 9, दैट इज 9 7, 63 बचा कितना 4 by 9, 7 4 by 9%, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। बट वाकई में क्या हम इसे और किसी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। देखो भाई, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी रहा, इस बात से तो हम बहुत ज्यादा बचाव नहीं कर सकते, बट कर क्या सकते हैं, देखो कि एक्सपेक्टेड पीरियड है 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि SI विल एक्सपेक्टेड टू बी 50%। 50% किसका? तो आप कहोगे ₹12,000 का, यानी कि SI कितना जनरेट होने वाला था, तो 12,000 का 50% यानी कि ₹6,000। मगर ₹6,000 नहीं मिला उसे, ₹3,320 कम मिला, यानी कि जो एक्चुअल एसआई मिला वो इससे 3320 कम मिला, यानी कि जो एसआई मिला वो कितना मिला, 2680 रुपीज मिला। बोलो हाँ या ना? अच्छा, इस एसआई के लिए 3 साल ये पता है, बट रेट परसेंट नहीं पता। तो इतना तो कर सकते हैं ना कि अगर 3 साल रेट परसेंट को आर परसेंट ही मान लें, तो 3R% मिला होगा। किसका 3R% भाई? तो आप कहोगे 12,000 का, तो 12,000 का 3R% जरूर 2680 है। परसेंट के वजह से ये दोनों को ख़त्म कर सकते हैं आप, यानी कि रेट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी की वजह से ये सब चीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो ये होगा क्या, 2680 3R इंटू 120 इज इक्वल टू 2680। तो R क्या होगा, 2680 बाय 3 इंटू 120, 0 0 खत्म, ठीक है। 4 से अगर रिड्यूस करें, 4 3 4 6 4 7, यानी कि अगेन 67 by 3 इंटू 3 9, तो 67 by 9 इज योर 7 4 by 9%, दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप पॉज करो, सॉल्व करो, और उसके बाद आओ वीडियो में वापस, आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डेटा मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपका क्वेश्चन है, आप रीड करो, ठीक है। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹21,000 एज फिक्स्ड डिपॉजिट एट ए बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड ही हैज टू बोरो द एंटायर मनी आफ्टर 6 ईयर, फॉर विच द बैंक अलाउड हिम अ लोअर इंटरेस्ट रेट, यानी कि 8% नहीं मिला, कुछ और मिला, तो उसे हम R% एज्यूम कर लेते हैं। इफ ही गेट ₹10,500 कम मिलता है उसे, देन वट वुड हैव गॉट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, जबकि अगर 8% एक्सपेक्टेड पीरियड यानी कि 10 साल तक रखता तो वो जो पैसा देता उससे उसे इस वाले सिस्टम में अगर जाए तो ₹10,500 कम मिलता है। आपको वही करना है, बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो बस आप वो करो, पॉज करो, सॉल्व करो और फिर वापस आओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर चुके होंगे, ये उनके लिए जो नहीं कर पाए किसी ना किसी वजह से। सपोज करो एक्सपेक्टेड पीरियड तक रखता, यानी कि 10 into 8, दैट इज 80% SI मिलता। किसका 80% भाई? तो 21,000 का। परसेंट के वजह से 2 0 खत्म, यानी कि 80 into 210, 8 into 21 इज योर 168 और 2 0 चिपकाना है। तो इतना एक्सपेक्टेड था SI, बट हुआ क्या, 6 साल में ही निकाल लिया और आर परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अगर एज्यूम करें तो ये 6 into R%, दैट मीन्स रेट इंटू टाइम, किसका, 21,000 का। अच्छा,
कितना मिलेगा एसआई वो पता कर ले। 16,800 एक्सपेक्टेड था बट उसे 10,500 रुपया कम मिल रहा है इस वाले केस में। तो 16,800 से 16,800 से अगर हम 10,500 सब्ट्रैक्ट कर दें तो दैट मीन्स 6,300 रुपीज उसे मिल रहा है इस केस में। बोलो हाँ या ना। सॉल्व करें, चलो जीरो जीरो खत्म, ठीक है। 21 अगर 10 टाइम्स में 210 बनाएगा तो 21 3 टाइम्स में बनाएगा आपका 63। 3 1 जा 3 2 जा। अच्छा, परसेंटेज मैंने रिड्यूस किया ही नहीं, तो परसेंटेज को अब रिड्यूस करें अगर, तो परसेंटेज मींस 1/100, 10 इसको काटेगा नीचे, 10 2 5 जा 10, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, इस साइड में देखो कुछ नहीं बचा है, आर बाई फाइव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। एम आई क्लियर? कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद से भी एक बार देख लें, हूबहू मुझे कॉपी करने का कोशिश ना करें, ठीक है। आइए फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्लास में, और एक वैरायटी के क्वेश्चन को भी मैं रखा हूं, उसका भी एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आप करना, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं आज के क्लास का सेकेंड वैरायटी क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रीड कर रहा हूं। डेविड इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ए बी सी। अच्छा, ऐसा क्यों ना करें कि मैं डिक्टेट भी करूं और क्वेश्चन को रीड भी करते करते लिखते भी चलता हूं, ठीक है, टाइम सेव हो। आज के क्लास का सेकेंड वैरायटी, डेविड भाई साहब ने 3 स्कीम, किसी बैंक का स्कीम है सो कॉल्ड, सपोज कर लो ए बी सी, 3 स्कीम में पैसा लगाया, और इन तीनों स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है, ए में 10%, बी में 12% और सी में 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब ये कह रहा है इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्रूड इन 1 ईयर, मतलब इसे भी एक साल के लिए, इसे भी एक साल के लिए, इसे भी एक साल के लिए लगा रहा है, तो टोटल जो एसआई मिल रहा है भाई, टोटल एसआई इज 3200 रुपीस, क्लियर। अब ए बी सी में जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको देने का तरीका देखो, उसने कहा है कि एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी वाज 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। ए से सी में एरो का मार्क्स देखो, 150%। सी में जो पैसा लगा रहा है वो ए के मुकाबले 150% है, एंड 240% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, और बी के मुकाबले सी का अगर कंपेयर किया जाए तो वो 240% है, यानी कि बी में जितना पैसा लगा रहा है उसका 240% वो सी में लगा रहा है। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, आपको निकालना है बी वाले स्कीम में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। सिंपल सा कहानी है देखो। अच्छा, 150% मतलब कितना भाई, 150 53 जा 52 जा, यानी कि ए में अगर 2 यूनिट पैसा लगाया है तो सी में उसने 3 यूनिट पैसा लगाया है, क्लियर हो रहा है बात। और 240% का क्या मतलब है, तो 240 बाई 100, 0 0 स्वाहा 2 5 जा 2 12 जा, यानी कि बी में अगर 5 यूनिट पैसा लगाया है तो सी में यहां पे मैं छोटा सा लिख रहा हूं, 12 यूनिट पैसा लगाया है। अब सिस्टम को बैलेंस करना होगा। इस एक स्टेटमेंट 150% के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ए का 2 यूनिट, सी का 3 यूनिट, और इस 240% के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बी का 5 यूनिट, सी का मगर 12 यूनिट। बैलेंस करना मतलब ये दोनों अलग नहीं होना चाहिए। अगर दोनों अलग नहीं होना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेशियो ही तो है, एज इन्वेस्टमेंट इज टू सीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2:3। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम 8 एंड इट विल बिकम 12। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि एज ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट और सी का इन्वेस्टमेंट, ए बी सी जो 3 स्कीम है उसका इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 8:5:12। इसे कहते हैं बैलेंस करना, और छोड़ दो इन बातों को।
आपको याद होगा मैंने रेशियो में आपको मर्जिंग सिखाया था। अगर आपको रेशियो का मर्जिंग याद है तो बहुत अच्छी बात है, रेशियो का मर्जिंग याद नहीं है तो रेशियो के सीरीज को एक बार देख लो। कहा है कि सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 150% ऑफ ए है और सी का इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 240% ऑफ बी। यानी कि एक बात तो आप समझ सकते हैं कि ए का इन्वेस्टमेंट बाय सी का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट बाय सी का इन्वेस्टमेंट 100 बाय 150, दैट मीन्स 5 2 5 3 यानी कि 2/3। क्लियर हो रहा है बात? दिया था ना ए का इन्वेस्टमेंट से 150% है सी का इन्वेस्टमेंट, क्लियर? तो अगर ए का इन्वेस्टमेंट और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला मैंने तो वो पता चला 2/3। सिमिलरली एक काम और करते हैं कि सी का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट अगर देखें, सी का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट यानी कि सी बाई बी इज योर 240/100 खत्म, 212 2 5। यानी कि यहां से क्या पता चला कि ए का और सी का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 2:3 है और सी का और बी का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 12:5 है। मर्ज कैसे करते हैं भाई? तो मर्ज करते हैं ए सी, रिमेनिंग इज बी, 12 × 2 = 24, 3 × 12 = 36 और 3 × 5 = 15। यहाँ पे मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ आप इस भटकाव में मत भटकिए। यहाँ से जो लोग शुरू किए हैं उसके लिए तो मैंने ये वाला तरीका बताया, और जो रेशियो देख चुके हैं या रेशियो देखने का पेशेंस है उनमें तो वो इसमें जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ से डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्लियर? तो ये देखो, आप ये रेशियो को अगर देखेंगे तो रेशियो रिड्यूस हो रहा है, देखो 3 से रिड्यूस हो रहा है, 3 8 3 12 एंड 3 5। यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? 8 12 5। आप इसे अलग ना समझ ले, इसका ऑर्डर है A:B:C, इसका ऑर्डर है A:C:B। आप इसको पलट के ए फिर बी फिर सी लिख सकते हैं। ए का 8 है, सी का 12 है और बी का 5 है, यानी कि 8 5 12 8 5 12। तो ये उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड आपको पता है, यहाँ का SI कितना भाई? 10 × 1 = 10%, यहाँ का SI कितना? 12 × 1 = 12%, और यहाँ का SI कितना? 15%। क्लियर हो रहा है बात? तो 8 यूनिट पे SI मिला है 10%, 5 यूनिट पे SI मिला है 12% और इस 12 यूनिट पे SI मिला है 15%। एम आई क्लियर? तो अब अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगूं, समझ रहे हो बात को ना, 8 यूनिट 5 यूनिट 12 यूनिट, हम अपने काम को आसान बनाने के लिए 8 यूनिट को ₹800, 5 यूनिट को ₹500 और 12 यूनिट को ₹1200, यानी कि 100-100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में कैलकुलेट होने वाला है। तो अगर हम टोटल SI को कैलकुलेट करने लगे देखो, तो ₹800 का 10% यानी कि ₹80 मिलेगा SI, ₹500 का 12% यानी कि ₹60 मिलेगा SI, और ₹1200 का 15% यानी कि ₹180 मिलेगा SI, और ये सारा यूनिट में है। तो टोटल यूनिट जो SI का कलेक्ट होगा वो ये होगा, 80 + 60 = 140, 140 + 180 = 320। तो 320 यूनिट SI आके कैलकुलेट होगा, और वो तो दी हुई है कितना? 3200। आ रही है बात समझ में? इस यूनिट पे 10% एक साल 10% SI मिलेगा, इस वाले यूनिट पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल के लिए, यानी कि SI मिलेगा 12%, इस वाले यूनिट पे 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल, यानी कि 15% का SI मिलेगा। यूनिट को इजीली कैलकुलेट कर पाने के लिए मैंने 100 100 100 मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कर सकता हूँ, आप कुछ किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंडीड अ रेशियो, रेशियो से आप किसी भी सिमिलर चीज़ का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका मैंने SI अगर कैलकुलेट किया तो वो आया 320 यूनिट इज 3200। आपको पूछा है B में कितना इन्वेस्टमेंट था, तो B का यूनिट को आप कितना माने हैं? 500। तो 320 यूनिट अगर 3200, तो 500 यूनिट कितना होगा? दिस इज योर क्वेश्चन। तो 3200 / 320 × 500, ये इसको काटेगा 10 टाइम्स में, यानी कि B में जो इन्वेस्टमेंट था वो ₹5000 था।
एक सेम क्वेश्चन मैं बी 4B करके रखता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप उसको पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, फिर वापस आना। बढ़े आगे, चलिए। होप कि आपसे बन चुका होगा, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेविड इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम ए बी सी, तीन स्कीम है भाई। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इस सॉरी 4%, इस पे 5% और इस पे 6%। पीरियड क्या दिया हुआ है? इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्रूड इन 1 ईयर, पीरियड अभी भी एक साल है, और टोटल जो SI मिलता है भाई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिलता है 1075 रुपीज। अब रेशियो दिया हुआ है क्या कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए वॉज 25% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी, ए का सी के साथ जो रिलेशनशिप है वो 25% है। रिलेशनशिप मैंने इसलिए कहा कि बाकी चीजें एरो के मुंह से ही क्लियर है, ठीक है, एरो का डायरेक्शन से ही क्लियर है। एक गलती की मैंने, देखो लाइन को क्लियर पढ़ो। स्कीम ए इन्वेस्टेड इन स्कीम ए वॉज 25% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी, ए में जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो सी के कंपैरिजन में 25%। ये गलती होनी चाहिए, गलती होगी तो आप लैंग्वेज को और बेहतरीन ढंग से समझेंगे, इसलिए मैं इस गलती को रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। एंड 33.33% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, और बी के मुकाबले में ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 33.33% है। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी, सी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था? तो आप चाहें तो रेशियो के ढंग से भी मर्ज कर सकते हैं, वरना आप जो बैलेंस करने वाला मैंने बताया उस पर भी चल सकते हैं। 25% इज 1/4, 33.33% इज 1/3। यानी कि आप एक सिंपल सा बात देखो, मैं अब और क्लियर लिख रहा हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी को अगर मैं तीन मानूं, बी को अगर मैं तीन मानूं तो ए का इन्वेस्टमेंट है एक अकॉर्डिंग टू दिस, और इसके हिसाब से 25%, दैट मीन्स 1/4। तो सी को अगर मैं 4 मानूं तो ए का इन्वेस्टमेंट है 1। बैलेंस करना मतलब इन दोनों चीज़ों को सेम बनाना, और ये ऑलरेडी सेम है, सेम नहीं होता तो जितना डिफरेंस होता उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं। यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट और सी का इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो 1, 3 और 4, तो क्यों ना हम इसे 100-100 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि ये सारा यूनिट है इन्वेस्टमेंट का, ए में 100 यूनिट, बी में 300 यूनिट और सी में 400 यूनिट। अच्छा, 4% एक साल, यानी कि ए में SI जो मिल रहा है वो 4%, बी में 5% और सी में 6%। आ रही है बात समझ में? ए का SI ए वाले स्कीम पे, बार बार इसको मैं 5 कर रहा हूँ, 4%, इस पे 5% और इस पे 6%। SI कितना कैलकुलेट होके आएगा भाई, कितना यूनिट SI होगा? 100 का 4%, 4 यूनिट, 300 का 5%, 15 यूनिट, 400 का 6%, यानी कि 24 यूनिट। तो 4 + 15 + 24 यानी कि 43 यूनिट SI कैलकुलेट हो रहा है, और ये 43 यूनिट दी हुई है 1075। आपसे पूछा है C का इन्वेस्टमेंट कितना, तो C का इन्वेस्टमेंट कितना भाई? 400 यूनिट। दैट मीन्स अगर 43 यूनिट इज योर 1075, तो 400 यूनिट निकालना है आपको। 400 यूनिट क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो 1075 बाई 43 इंटू 400, 43 इसको रिड्यूस कर रहा है 2, 86 बचा 5, तो 25 इंटू 4 और दो जीरो चिपकाना है, 25,400 और दो जीरो चिपकाएंगे तो 10,000 रुपये। तो बी का इन्वेस्टमेंट है, सॉरी सी पे जो इन्वेस्टमेंट था वो 10,000 रुपये का था। ट्विस्ट क्या हो सकती है इस तरह के क्वेश्चन में? अभी तो मैं एक साल दे रहा हूँ, हो सकता है इसको 2 साल दे, इसको भी 2 साल दे, इसको भी 2 साल दे, तो इस जगह पे थोड़ा बच के आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन SI क्रिएट करता है, उस बात का ध्यान देना। यानी कि यहाँ पे 8% क्रिएट होगा, यहाँ पे 10% क्रिएट होगा और यहाँ पे 12% क्रिएट होगा। यानी कि ये लाइन भी चेंज होगा, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि भाई यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 3 साल, तो ये चीज़ भी हो सकता है। यानी कि इसका जो SI होगा वो 4% होगा, 4 × 1।
इसका जो एसआई होगा वो 10% होगा और इसका जो एसआई होगा वो 18% होगा, और सिमिलरली ये कैलकुलेशन चेंज होगा। तो इस तरह की वैरायटी के साथ भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आज का क्लास, और कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले सीरीज़ को। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना प्यार बनाए रखना अपने दोस्तों अपने जानने वालों के बीच, चैनल के लिंक को शेयर करते चलो, ठीक है।